वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुक्लिक में। तो सब लोग कैसे हो, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं मस्त होंगे। ठीक है, तो पिछली क्लास में यानी कि कल मैंने आपको बताया था कि नए शेड्यूल के अनुसार हर शुक्रवार को अब आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कल बताया था कि आपको अच्छे से तैयारी करके आनी है, जहां तक मैंने पढ़ा दिया उसमें से मैं आपको टेस्ट लूंगा। आज आपका टेस्ट है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी करके आए होंगे और मैं 1, 2, 3 और 4 चैप्टर जहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है वहाँ तक का मैं आपको टेस्ट लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैं बोर्ड पर मार्कर से क्वेश्चन लगूंगा, ठीक है, ऑप्शन आपको दूंगा नहीं, क्योंकि अब तक मैंने आपको कई बार रिवाइज करवा दिया है, बहुत बार टेस्ट ले लिए, तो आपको ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। आपको तो अब तक इतना समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन देखते ही आपके पास आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है और फटाफट से उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और एक काम कीजिए, जल्दी से इस टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और ताकि और बच्चों को भी साथ में जोड़ लीजिए, अपने दोस्तों को अपने भाइयों को साथ में जोड़ लीजिए ताकि वो भी इस टेस्ट को दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस के बारे में उनको पता चल सके। ठीक है, टेस्ट समाप्ति के बाद आपको बताना है कि आपने मैंने जितने क्वेश्चन करवाए हैं उनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, तो ये बताना मत भूलना, आपको ये बताना है और सही से ही बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन लिखता हूं, उसका आंसर आपको जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आपका टेस्ट है आज। ठीक है, तो आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर, कौन सा रोग होता है, जल्दी बताइए कि विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है जिसका नाम होता है रतौंधी। क्या? रतौंधी रोग से होता क्या है, रतौंधी रोग की वजह से रात में या तो दिखाई नहीं देता या फिर कम दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन से ये रिलेटेड हो गया, तो मैं आपको बाकी के विटामिन को याद करवा देता हूं, क्योंकि अपने टेस्ट लेने का मेन उद्देश्य यही होता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करवा दिया जाए। ठीक है, तो विटामिन बी, तो विटामिन बी में कौन कौन से आते हैं, पहला आता है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन का नाम बताइए जल्दी से, विटामिन बी वन का नाम क्या होता है, रासायनिक नाम, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या होता है, थायमीन, इसमें यह आता है थायमीन। और थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, कौन सा, बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी टू, विटामिन बी टू को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, और बी थ्री ये होता है नियासिन। और इसी तरह से विटामिन सी ये होता है एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल, और विटामिन डी ये होता है कैल्सीफेरॉल। राइबोफ्लेविन से तो होता है राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है, और नियासिन कमी से होता है पेलेग्रा, और एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होता है एस्कर्बी। ठीक है, और विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से होता है रिकेट्स। ठीक है, रिकेट्स में क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गए सारे विटामिन, आपको मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। तो आपके लिए अब दूसरा क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए कि दूसरा क्वेश्चन है, रक्त में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा खनिज तत्व सहायक होता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, कमेंट कीजिए कि हीमोग्लोबिन के निर्माण में यानी कि रक्त में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है उसके निर्माण में सहायक कौन सा खनिज तत्व होता है, यानी किसकी सहायता से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, किसमें, हमारे ब्लड में यानी कि रक्त में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ऐसा कौन सा खनिज तत्व है, उस खनिज तत्व का नाम है लोह तत्व। लोह तत्व को आयरन कहा जाता है, क्या, आयरन भी कहा जाता है। इसकी कमी से होता क्या है, जब हमारे शरीर में लोह तत्व यानी कि आयरन की कमी आ जाएगी, इसका मतलब हीमोग्लोबिन का निर्माण भी कम हो जाएगा, और हीमोग्लोबिन के निर्माण की कमी के कारण हमारा शरीर का रंग हो जाएगा पीला। ठीक है, इस अवस्था को बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं, एनीमिया, यानी कि खून की कमी हो जाती है। किसकी कमी, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, समझ में आ गया, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर तीन है कि बाला बाला या नारू रोग का रोगजनक का नाम बताना है। बाला या नारू रोग का रोगजनक का नाम बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो बाला या नारू रोग होता है वो किसकी वजह से होता है, इसका रोगजनक का नाम बताइए। तो इसके रोगजनक का नाम क्या है, ये कृमि होती है, मादा कृमि, जिसका नाम होता है ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस, मेडिनेंसिस, ठीक है। तो ड्रेकनकुलस मेडिनेंसिस एक कृमि होती है और उस कृमि की वजह से बाला या नारू रोग होता है। यह रोग कहाँ पे होता था, यह रोग राजस्थान में होता था और वर्ष 2000 के बाद यह रोग का उन्मूलन हो गया, यानी कि इस रोग की रोकथाम के लिए नारू उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 में बाला या नारू रोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटापा, मोटापा यानी कि फैटनेस किस सूचकांक के द्वारा व्यक्त किया जाता है, किस सूचकांक यानी इंडेक्स के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। तो जल्दी से बताइए ये मोटापा होता है उसे हम किस सूचकांक के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा शरीर भार सूचकांक। कौन सा सूचकांक, शरीर भार सूचकांक, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है BMI। तो फैटनेस होती है हमारे शरीर की, यानी कि मोटापा होता है, उसको हम किस रूप में मापते हैं, उसको हम BMI के रूप में मापते हैं। तो BMI यानी कि शरीर भार सूचकांक होता क्या है, ये होता है मानव शरीर का भार और बटे में लंबाई, शरीर की लंबाई होती है, उस लंबाई का क्या होता है वर्ग यानी कि स्क्वायर होता है। इसकी यूनिट मैंने आपको बताई थी, भार की वेट की यूनिट होती है किलोग्राम और लंबाई की होती है मीटर स्क्वायर, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जब BMI की वैल्यू यदि 25 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से कम रहती है तो वह मोटापे की श्रेणी में नहीं आता है, और यदि BMI की वैल्यू 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा रहती है तो वो किसकी श्रेणी में आता है, वो आता है मोटापा की श्रेणी में, ठीक है। आ गया समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। इस टेस्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी साथ में जुड़ सकें, ठीक है। तो जल्दी कीजिए टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले आने के बाद आपको फर्स्ट रहता है कि आपको लाइक करना है और शेयर करना है, ओके। पाँचवा क्वेश्चन है, जो पाचन तंत्र होता है यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो किस नाल में उपस्थित होता है, किस नाल, नाल यानी कि कैनाल, इंग्लिश में नाल को क्या बोलते हैं, कैनाल, किस नाल में उपस्थित होता है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो किस नाल में उपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा आहार नाल। कौन सी नाल, आहार नाल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो पूरा पाचन तंत्र होता है वो आहार नाल में उपस्थित होता है। तो आहार नाल कहां से शुरू होती है, आहार नाल शुरू होती है मुख से शुरू होती है, कहां से, मुख से, और कहां तक जाती है, मलाशय तक जाती है, मलाशय यानी कि माउथ से शुरू होकर ये जाती है सीधी रेक्टम में जाती है। और इस पूरी आहार नाल में कौन उपस्थित होता है, हमारा पूरा पाचन तंत्र उपस्थित होता है। तो पाचन तंत्र में कौन कौन होते हैं, मुख, मुख के बाद आती है ग्रसनी, उसके बाद ग्राश नली, उसके बाद आता है आमाशय, आमाशय के बाद छोटी आंत, बड़ी आंत, और बड़ी आंत के बाद आता है ये मलाशय, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की आहार नाल की लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर, ये 8 से 10 मीटर लंबी होती है, ओके, समझ में आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक काम करता हूँ, मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है, उसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि जो टाइलेन एंजाइम होता है, टाइलेन एंजाइम यह किस ग्रंथि द्वारा, किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, बताइए कि जो टाइलेन एंजाइम होता है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होने वाला एंजाइम है। जल्दी कीजिए इसका आंसर, फटाफट कमेंट करके बताइए कि टाइलेन एंजाइम होता है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो टाइलेन एंजाइम होता है वो किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, तो एक ग्रंथि होती है पाचन ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि, पाचन ग्रंथि में आती है, जिसका नाम है लार ग्रंथि,
लार ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड। तो टाइलर एंजाइम होता है वो लार ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। और कौन सा एंजाइम स्रावित करती है ये लार ग्रंथि? इसके साथ साथ ये एमिलेस एंजाइम का श्रावण भी करती है। किसका? एमिलेस एंजाइम का। ये दोनों एंजाइम क्या कार्य करते हैं? टैलिन और एमिलेस एंजाइम होते हैं, ये दोनों के दोनों स्टार्च को माल्टोस में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। किसमें? माल्टोस में, ठीक है। हमारे मुख में जिस भोजन का पाचन होता है वो माल्टोस के रूप में ही आगे जाता है, ओके। तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड होता है, और इस पॉलीसेकेराइड को टाइलिन और एमिलेस एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे पॉलीसेकेराइड में बदल दिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। आपको बताना है कि किस पाचन अंग द्वारा प्रमुख रूप से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा पाचन अंग है जिसके द्वारा हमारे शरीर में जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उस भोजन में से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण किया जाता है। तो जल्दी कीजिए, उसका आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करने वाला जो अंग होता है वो होता है बड़ी आंत। क्या? बड़ी आंत। और बड़ी आंत को इंग्लिश में कहा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो बड़ी आंत के द्वारा ही जो अपाचित और जो अनअवशोषित भोजन होता है जो किससे आता है? जो आता है छोटी आंत से। किससे? छोटी आंत से आता है। इसमें बड़ी आंत में आता है, और इस बड़ी आंत में जब यह भोजन आता है अपाचित एवं अनअवशोषित भोजन होता है, इस भोजन में से जल एवं खनिज लवण का क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है। और बाकी बचा हुआ जो अपशिष्ट भोजन होता है उसको पहुंचा दिया जाता है किसमें? मलाशय में। किसमें? मलाशय में। तो मैंने आपको बड़ी आंत के तीन भाग बताए थे। पहला होता है अधांत्र, जिसको सीकम कहा जाता है। दूसरा होता है बृहदांत्र यानी कि कोलन, और चौथा होता है ये मलाशय यानी कि रेक्टम, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन। आपको बताना है कि हमारे शरीर में प्रमुख श्वसन मांसपेशी कौन सी होती है, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके बताइए कि हमारे शरीर में जो रेस्पिरेशन मसल्स होती है वो प्रमुख रूप से कौन सी मसल्स पाई जाती है, यानी कि प्रमुख श्वसन मांसपेशी का नाम आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि इसका आंसर राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मध्यपट। मध्यपट, मध्यपट को इंग्लिश में कहा जाता है डायफ्राम। क्या कहा जाता है? डायफ्राम, ठीक है। तो जो डायफ्राम यानी कि मध्यपट होता है वो प्रमुख श्वसन मांसपेशी होता है, ठीक है। ये होता कैसे है? जो डायफ्राम होता है ये पाया जाता है फेफड़ों के नीचे। किन के नीचे? फेफड़ों के नीचे। फेफड़ों के नीचे एक पतली पतली कंकाल पेशी की बनी। किसकी बनी? कंकाल पेशी की बनी। कंकाल पेशी से निर्मित एक चद्दर नुमा संरचना होती है। चद्दर नुमा, ठीक है, चद्दर नुमा संरचना होती है। और इसी मध्य पट के ऊपर जो फेफड़े होते हैं वो टिके रहते हैं। ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है। तो ये फेफड़े हो गए, ये हो गए फेफड़े, और फेफड़ों के नीचे ये वाला जो पोर्शन पाया जाता है वो पाया जाता है मध्यपट यानी कि डायफ्राम पाया जाता है। इसी डायफ्राम के ऊपर फेफड़े टिके रहते हैं, और इसी डायफ्राम के सिकुड़ने के कारण और शिथिलन करने के कारण ही हम श्वास वायु अंदर ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ पाते हैं, ओके। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, आपको आरबीसी का जीवन काल बताना है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जीवन काल यानी कि आरबीसी होती है वो कितने दिनों तक हमारे शरीर में जीवित रहती है और उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। तो जल्दी कीजिए इसका आंसर फटाफट करके कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आरबीसी का फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रुधिर कोशिकाएं या फिर कड़काएं, ठीक है। तो इसका जीवन काल कितने दिन होता है? इसका जीवन काल होता है 120 दिन। कितने दिन? 120 दिन। तो आरबीसी का मैंने दूसरा नाम बताया था, आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। क्या? एरिथ्रोसाइट। और इन्हीं आरबीसीयों में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या? हीमोग्लोबिन। और इस आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? तो वयस्क लोग होते हैं, बड़े व्यक्ति में आरबीसी का जो निर्माण होता है वो तो होता है लाल अस्थि मज्जा।
लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मैरो में, और जो शिशु होते हैं शिशुओं में जो आरबीसी का निर्माण होता है वो होता है पिलिया में। किसमें? पिलिया या तिल्ली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में शुक्राणु निर्माण के लिए ताप नियंत्रक की तरह कौन सा अंग कार्य करता है। आपको बताना है कि ऐसा कौन सा अंग होता है जो हमारे शरीर में ताप नियंत्रक का कार्य करता है। क्यों? क्योंकि वो शुक्राणु के निर्माण में सहायक होता है, यानी कि स्पर्म के निर्माण में सहायक होता है। तो ऐसा कौन सा अंग बताया था मैंने आपको, जब नर जनन तंत्र पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि ये कार्य कौन करता है। पहले तो आप कमेंट करके इसका आंसर दीजिए। ठीक है, ताप नियंत्रक की तरह कार्य करता है और साथ में शुक्राणु निर्माण में भी सहायक होता है। तो वो होता है वेषणकोष। कौन? वेषणकोष। वेषणकोष इसको बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम इंग्लिश में कहा जाता है। तो वेषणकोष में ही कौन उपस्थित होते हैं? वेषणकोष में ही वृषण यानी कि टेस्टिस उपस्थित होते हैं। ठीक है, और इन्हीं टेस्टिसों के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है, यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। तो इन टेस्टिसों को, इन वेषणों को, ये हमारे शरीर में एक जोड़ी के रूप में पाए जाते हैं। इन दोनों वेषणों को स्थिर रखने के लिए, संतुलन में रखने के लिए वेषणकोष होता है। और ये वेषणकोष का तापमान होता है हमारे शरीर में बाकी सभी अंगों के तापमान से कम होता है, इसी कारण इसको ताप नियंत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, तो वेषण होते हैं यानी कि टेस्टिस, वो किसका निर्माण करते हैं? वो शुक्राणु का निर्माण करते हैं जो एक नर जनन कोशिका होती है। इसी के साथ साथ ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का श्रावण भी करता है जो नर के जनन जो लक्षण होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एड्रेनेलिन हार्मोन का श्रावण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? आपको इसका आंसर बताना है कमेंट करके कि जो एड्रेनेलिन हार्मोन होता है उसका श्रावण किस ग्रंथि के द्वारा होता है, यानी कि ऐसी कौन सी ग्लैंड होती है, ऐसी कौन सी ग्रंथि होती है जो एड्रेनेलिन हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कि ऐसी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो एड्रेनेलिन हार्मोन का श्रवण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? अधिवृक्क ग्रंथि। तो अधिवृक्क ग्रंथि को इंग्लिश में कहा जाता है एड्रिनल। क्या? एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि होती है जो वृक्क यानी कि किडनी के ऊपर पाई जाती है। यह भी एक जोड़ी में पाई जाती है, यानी कि दोनों किडनियों के, दोनों वृक्कों के यह ऊपर स्थित होती है अधिवृक्क ग्रंथि, और इसके द्वारा एड्रिनेलिन हार्मोन का श्रवण किया जाता है। तो एड्रिनेलिन हार्मोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसे 3F हार्मोन भी कहा जाता है। 3F का मतलब क्या होता है? F और F। इस F का मतलब होता है फियर यानी कि डरना, इस F का मतलब होता है फाइट यानी कि लड़ना, और इस F का मतलब होता है फ्लाइट यानी कि उड़ना या फिर भागना। यानी कि जब भी हम किसी से डरते हैं तो ये एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। हम किसी से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, उस समय भी एड्रेनलिन हार्मोन ज़्यादा स्रावित होता है, और जब हमें किसी से बचकर भागना होता है या फिर उड़ना होता है जैसे भी, तो भी एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है। और एड्रेनलिन हार्मोन ही हमारे जो श्वसन दर होती है और इसके साथ हार्ट बीट एवं पुतलियों का जो फैलाव और सिकुड़ाव होता है उसको भी नियंत्रित करता है। ठीक है, ये हो गया एड्रेनलिन हार्मोन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो आपको बताना है कि मेंडल का जन्म कब हुआ था, जल्दी कहिए। और ग्रेगर जॉन मेंडल, इस मेंडल का पूरा नाम है, इसके जन्म के बारे में आपको बताना है कि हमने मेंडल की जीवनी पढ़ी थी, तब मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी में। तो मेंडल का पूरा नाम तो आपको पता ही होगा। ठीक है, ये पिछले टेस्ट में मैंने आपसे पूछा था ग्रेगर जॉन मेंडल, और इस ग्रेगर जॉन मेंडल का जो जन्म हुआ था मैंने आपको एक लिंक करके बताई थी, कुछ 22 से कुछ याद आ रहा होगा। ये क्या होता है? 22 जुलाई, और सन भी कौन सी? 1822। यानी कि आपको ये याद रखना है कि 22 जुलाई है और सन में भी 22 ही है, यानी कि 22 जुलाई 1822 को कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया देश में। किस देश में? ऑस्ट्रिया देश में हुआ था, और ऑस्ट्रिया देश के हेंजनडॉर्फ प्रांत में, हेंजनडॉर्फ शहर में हुआ था। गांव का नाम क्या था? सिलिसियन नाम का गांव था। ठीक है, और मेंडल ने सन 1842 में, कौन सी 42 में?
सन 1842 में दर्शन शास्त्र यानी कि फिलोसॉफी की डिग्री को हासिल कर लिया था। उसके बाद ये ब्रूम शहर में एक पादरी के रूप में चुने गए थे। वहां पर उन्होंने मटर के पौधे पर आनुवांशिकता के प्रयोग किए थे और तीन नियम दिए थे। कौन कौन सा नियम? प्रभावता का नियम, पृथककरण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम दिया था। ठीक है, इन्होंने उद्धान मटर यानी कि पाइसम सेटाइवम के ऊपर 7 विपर्यासी लक्षणों पर आनुवांशिकता के प्रयोग किए थे। और इसी आनुवांशिकता के ऊपर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। आपको बताना है कि जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, इस स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में जब F2 पीढ़ी हमने पढ़ी थी, इस F2 पीढ़ी में आपको लक्षण प्रारूप का अनुपात बताना है। किसका अनुपात? लक्षण प्रारूप का अनुपात बताना है, लक्षण प्रारूप का अनुपात। तो जल्दी करके कमेंट कीजिए और बताइए कि जब स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में F2 पीढ़ी हमने पढ़ी थी तो F2 पीढ़ी में लक्षण प्रारूप का अनुपात कितना आता है, यानी कि फिनोटाइप रेशो के बारे में आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? इसका राइट आंसर होगा 9:3:1। ठीक है, इसमें कुल 16 प्रकार के पादप प्राप्त हुए थे, जिनमें से जो 9 पादप थे वो थे पीले एवं गोलाकार, 3 पादप थे वो थे हरे एवं गोलाकार, और फिर से जो 3 पादप प्राप्त हुए थे पीले एवं झुर्रीदार, और जो 1 पादप प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था हरा एवं झुर्रीदार। ठीक है, तो ये 9:3:3:1 आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जीनोटाइप रेशियो यानी कि जीन प्रारूप का अनुपात आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा भी है, तो इसको याद करने के लिए मैंने आपको कुछ ट्रिक बताई थी। आपको याद रखना है 12:24:12:12:1, यानी कि 1:2:2:4:1:2:1, उसके बाद फिर से 1:2:1, ये आपको इस तरह से याद रखना है। ठीक है, और जब हमने पृथककरण का नियम पढ़ा था तो पृथककरण के नियम में जो पृथककरण का नियम था उसमें भी लक्षण प्रारूप का अनुपात था वो कितना था, वो आया था 3:1। तो 3:1 में 75% जो पौधे प्राप्त होते हमें लंबे पौधे प्राप्त होते और सिर्फ 25% पौधे हमें बौने प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो यानी कि 3 पादप तो हमें प्राप्त होते लंबे और 1 पादप प्राप्त हुआ था हमें बौना, जब हमने पृथककरण का नियम की F2 पीढ़ी पढ़ी थी। और इसका जो F2 पीढ़ी में पृथककरण के नियम का जो जीन अनुपात था वो था 1:2:1। ठीक है, 1:2:1, यानी कि इसमें भी एक समयुग्मजी था यानी कि शुद्ध लंबा था, एक था विषम युग्मजी यानी कि 2 पौधे हमें अशुद्ध लंबे प्राप्त हुए थे, और इसी के साथ और 1 पौधा हमें शुद्ध बोना प्राप्त हुआ था यानी कि समयुग्मजी बोना प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन हो गए 13, एक बार मैं मिटा देता हूं और बाकी के क्वेश्चन फिर मैं आपको करवाता हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। आपको बताना है प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है, आणविक भार कितना होता है। मैंने आपको एक कल की क्लास में ही बताया कि प्रतिजन यानी कि एंटीजन का जो मॉलिक्युलर वेट होता है वो कितना होता है। तो जल्दी करिए और इसका आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए कि प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा, मैंने आपको बताया था 6000 डाल्टन। ठीक है, या तो 6000 डाल्टन होता है या फिर इससे अधिक हो सकता है। ठीक है, या तो 6000 डाल्टन यहाँ पे इससे अधिक भी हो सकता है। ये क्या होता है? प्रतिजन का आणविक भार यानी कि एंटीजन का आणविक भार होता है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है ये प्रतिरक्षी होता है, प्रतिरक्षी यानी कि जो एंटीबॉडी होता है, इस प्रतिरक्षी का वह सिरा, वह भाग जो प्रतिजन से जुड़ता है या उससे क्रिया करता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये भी मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर बताइए और कमेंट करके बताइए कि एंटीबॉडी होता है, इस एंटीबॉडी का वह पार्ट जो एंटीजन से क्रिया करता है, रिएक्शन करता है, जुड़ता है, उसका नाम आपको बताना है कि प्रतिरक्षी का वह सिरा जो प्रतिजन से जुड़ता है यानी कि उससे क्रिया करता है क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा पैराटॉप। क्या? पैराटॉप। ठीक है, तो पैराटॉप होता है वो प्रतिरक्षी का वह भाग होता है जो प्रतिजन से क्रिया करता है। इसी प्रकार मैंने आपको यह भी बताया था कि जब प्रतिरक्षी का एक भाग
जो पैराटॉप कहलाता है वो प्रतिजन से क्रिया करता है। इसी प्रकार से प्रतिजन का भी एक भाग होता है जो प्रतिअक्षी से क्रिया करता है। तो प्रतिजन का वह भाग कहलाता है एपिटॉप। क्या कहलाता है? एपिटॉप। तो ये आपको दोनों याद रखने हैं कि प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिअक्षी से क्रिया करता है उससे जुड़ता है वो कहलाता है एपिटॉप। इसी तरह से ही प्रतिअक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है वो कहलाता है पैराटॉप। ठीक है, और जो प्रतिजन और प्रतिअक्षी ये दोनों प्रोटीन से बने हो सकते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन से भी बने हो सकते हैं। और प्रतिजन होता है ये एक तरह से बाह्य रोगाणु की तरह कार्य करता है। और जब प्रतिजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में बीटा लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा प्रतिरक्षी का निर्माण होता है। और इसी प्रतिरक्षी के कारण इस प्रतिजन का क्या कर दिया जाता है? विनाश यानी कि खात्मा कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेस्ट। ठीक है, अब आपको बताना है कमेंट करके फाइनली कि आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। मैंने आज आपको पूरी क्लास जहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चैप्टर जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा का पूरा मैंने आपको रिवाइज करवा दिया है। और जहां तक हो सकता है मैंने क्वेश्चन लिए हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं मैंने उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया है। और मैं आपको इसी तरह से बार बार रिवाइज करवाता रहूंगा। और ऐसे ही आप जिस तरह से बार बार रिवाइज करते रहोगे, मेरी क्लास आप डेली अटेंड करोगे और साथ में आप टेस्ट दोगे, तो ये बिल्कुल पक्की बात है कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी और आपका रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो को आप रिवाइज कर सकते हो। और यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसी कोई डाउट होता है, तो हमारा टेलीग्राम पर एक एजुक्लिक ऑफिशियल नाम का एक ग्रुप है, उस पर आप डाउट सेशन में यानी कि उसमें आप अपने डाउट्स वगैरह कोई भी आपको प्रॉब्लम हो उसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसकी लिंक है वो आपको नीचे दिख रही होगी। इसी के साथ यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहां से आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर अपने जितने भी सवाल हैं, कोई भी क्वेरी है हमारे चैनल से रिलेटेड, हमारे वीडियो से रिलेटेड, बाकी जितने भी सब्जेक्ट चल रही है उनसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पे आपको बता सकते हो। ठीक है, उसका सोल्यूशन आपको क्लास में बता दिया जाएगा। और हाँ, आपको मैं एक बात तो याद दिला दूं, जैसे आज फ्राइडे है यानी कि शुक्रवार, तो आज आपका ऐसे साइंस का टेस्ट हो गया है, इसके बाद आपका मैथ का टेस्ट है, लेकिन आज सामाजिक विज्ञान यानी कि SST का आपका टेस्ट आज नहीं लगेगा, आज आपकी क्लास लगेगी और वो टेस्ट आपका कल होगा। ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे आपका SST का टेस्ट लगेगा और कल जो साइंस और मैथ की क्लास है वो आपकी ऑफ रहेंगी, उनकी छुट्टी रहेगी, क्योंकि आजकल अपनी क्लास मंडे टू फ्राइडे हो चुकी है, लेकिन SST का जो टेस्ट है वो आपका सैटरडे यानी कि शनिवार को लिया जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक अनाउंसमेंट है आपके लिए, एक नई क्लास में लेके आ रहा हूँ, नई सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाली है, तो रविवार को सुबह 9 बजे उसकी अनाउंसमेंट वीडियो आने वाली है। ठीक है, तो आपको 9 बजे वो वीडियो देखनी है, उसमें मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूं कि आपकी कौन सी सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाली है और कौन से सर, मैं आपको सर से भी मिलाने वाला हूं कि कौन से सर आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले हैं। तो जरूर देखिएगा याद से रविवार सुबह 9 बजे। ठीक है, इस वीडियो को और इस सेशन को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा दो ताकि आपको चैनल से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इस टेस्ट को शेयर करो ताकि और लोग अपने चैनल के साथ जुड़ सके। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, तो अपन मिलते हैं मंडे को, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आराम से घर बैठकर अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए।